अम्बाला शहर सीएमओ ऑफिस और अम्बाला सिविल अस्पताल में आज सुबह सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग की टीम सीएमओ ऑफिस में अचानक रेड करने पहुंची। बता दें कि सरकार के निर्देशानुसार ये रेड खासकर एम्बुलेंस की स्थिति को जांचने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए की गई कि सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई किट एम्बुलेंस में मौजूद है या नहीं। सीएम फ्लाइंग की इस रेड के बाद अधिकारियों को जो खामियां मिलेंगी उनकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएंगी। निर्देशानुसार मुख्यमंत्री उन्नत दस्ता द्वारा सीएमओ ऑफिस और जो एम्बुलेंसीज हैं विशेषकर उनकी चेकिंग के लिए उसमें जो सरकार द्वारा किट वगैरह अप्लाई प्रोवाइड की गई है वो है या नहीं है प्रेजेंट, और एम्बुलेंस की कंडीशन कैसी है, वो चलने लायक है या नहीं, कोई मिस हैपनिंग से बचा ना हो जाए ऐसा, तो वो सारी चेकिंग जो है हमारे द्वारा की जा रही है जिसकी रिपोर्ट जो है सरकार को बना के भेजी जाएगी। अभी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, एक ही एम्बुलेंस थी जो मरीजों को छोड़ने के लिए गई हुई है, जैसी आएगी वो उसको वो चेक करके प्रॉपर जो सरकार की तरफ से हिदायतें हैं भी क्या क्या सामान उसमें होना चाहिए उसको चेक करके उनकी रिपोर्ट जो कमियां पाई जाएंगी सरकार को भेजी जाएगी। शिकायत पे नहीं, कोई स्पेशल अभियान था सरकार के निर्देश थे उसके तहत ही हमने कार्रवाई की है। सीएम ऑफिस नहीं, जैसा सरकार के निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग उतना ही पार्ट पे कार्रवाई करते हैं। आज विशेषकर जो था एम्बुलेंस के रिगार्डिंग थी चेकिंग, बाकी डॉक्टर्स जो ड्यूटी पे हैं उनको चेक किया गया, एक दो डॉक्टर जो लेट आए थे उनके बारे में लिख सरकार को लिख के भेजा जाएगा, वो लेट आए कारण पूछा जाएगा भी क्यों लेट आई, एक डॉक्टर अब्सेंट भी पता चला है जो अभी तक हमारे नोटिस में नहीं आया था, तो बता रहे हैं अभी एक पिछले काफ़ी टाइम से एब्सेंट चला रहे हैं, उसका भी उसके बारे में भी सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उसमें जो एम्बुलेंस हमारे पास थी BLS उसमें सिर्फ एक चीज़ जो सरकार लिस्ट जो प्रोवाइड की गई सरिंज पंप वो अवेलेबल नहीं था, बाकी सारा जो है सामान वो एम्बुलेंस में पाया गया है। टोटल एम्बुलेंस की लिस्ट मंगवाई है, अभी हमने जो मौके के ऊपर जो गाड़ी खड़ी थी उसको चेक किया, अभी पूरा रिकॉर्ड हमने लेना है। पूरे ज़िले में वैसे 29 के करीब एम्बुलेंस बताई हैं जो रिकॉर्ड लाया गया है, एक ही है अभी, तो एक ही एम्बुलेंस अवेलेबल थी यहाँ, बाकी गई हुई हैं। जितनी अवेलेबल होंगी यहाँ पे उनको सबको जब तक हमारी टीम है वो सबको चेक करेंगे। जो एक मिली है सरिंज पंप नहीं था एक, उसके अंदर जो किट है सरकार ने निर्धारित की हुई है उसके तहत सरिंज पंप नहीं पाया गया। एम्बुलेंस कंट्रोल ने भी पूरा डाटा मंगवाया, अभी हमने पूरा चेक नहीं किया, पूरे हॉस्पिटल का दौरा हमने तो सिर्फ अटेंडेंस चेक की, अभी पेशेंट जो है डॉक्टर बेड अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि पेशेंट को दिक्कत ना आ रही है, डॉक्टर जो है वो सभी OPD में पाए गए हैं। फिलहाल जो एक एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी उसमें चेकिंग के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित की गई किट के तहत सीरिंज पंप नहीं था, बाकी अन्य सारा सामान उस एम्बुलेंस में मौजूद था। पूरे अस्पताल का दौरा करने के बाद सभी डॉक्टर OPD में मौजूद पाए गए और ये भी उनकी टीम द्वारा सुनिश्चित किया गया कि किसी मरीज को कोई परेशानी तो नहीं आ रही। पंजाब केसरी TV के लिए अम्बाला से किशन बाली की रिपोर्ट।